तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म पर मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था और ये हमारी डिफरेंशिएशन की सेकंड क्लास है बच्चों। ठीक है, सेकंड क्लास डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा फर्स्ट क्लास का मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको आज की क्लास समझ आएगी, अच्छी तरह से समझ आएगी। तो एक 5 मिनट के अंदर मैं सारा कुछ रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपको लास्ट टर्म पर यह समझाया था कि डिफरेंशियल आखिर होता क्या है। तो डिफरेंशियल बना है डिफरेंस से, किससे बना है? डिफरेंस। डिफरेंस जब कभी भी फिजिक्स में एक क्वांटिटी में डिफरेंस मींस चेंज किसी दूसरी क्वांटिटी में डिफरेंस के रिस्पेक्ट में निकालना होता है तो फिर हम डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला डिफरेंस इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन टी। डी मीन्स डिफरेंस, और डिफरेंस यहाँ डी से डी कैंसिल नहीं होगा। लास्ट टर्म पर भी मैंने आपको समझाया था, जो लोग आज पहली बार क्लास देख रहे हैं वो पिछले टर्म की क्लास जरूर देख लेना तो फिर ये समझ आएगी, क्योंकि पिछले टर्म की क्लास को मैं 5 मिनट में कवर कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए डिटेल में तो आपको पिछले टर्म की ही क्लास देखनी पड़ेगी। डिफरेंस से बना है डिफरेंशियल, राइट? और डी का मतलब होता है डिफरेंस या डिफरेंशियल। तो डी एक्स मीन्स डिफरेंस इन एक्स, डी टी मीन्स डिफरेंस इन टी, टी में डिफरेंस, टाइम में डिफरेंस। अब ये एक्स कोई क्वांटिटी हो सकती है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप माने। टी ये टाइम हो सकता है, ठीक है ना, टी को जो भी आप माने। तो डी एक्स अपॉन डी टी, इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे? इसको रीड आउट करेंगे डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ व्हाट? डिफरेंशियल ऑफ व्हाट? जो डी के आगे न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसका डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ओके, डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, जब हम एक क्वांटिटी में डिफरेंस दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो इसको रेट भी बोलते हैं। रेट, रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी। तो इसी को हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? व्हाट यू कॉल? रेट ऑफ चेंज इन एक्स, एक्स में चेंज होने की रेट। रेट मतलब डिफरेंशियल, डिफरेंस। रेट ऑफ चेंज इन एक्स किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ओके, अब मैंने मान लीजिए ऐसा लिखा डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप बता सकते हो उसका मतलब क्या है? सोचिए, पढ़िए, मन में सोचिए, जोर से सोचिए और मन में ही बोलिए तो मेरे तक आवाज आ जाएगी। यस बच्चों, मन में जोर से बोलो, डी वाई ओवर डी एक्स क्या मतलब हुआ इसका? डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब नीचे को रीड आउट नहीं करते कि डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स, ऐसे नहीं। डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये रीड करेंगे। सो दिस इज डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर हुआ? अब आपके समझ में ये आ गया होगा कि ये जो डी वाई डी टी है यही तो डिफरेंशियल का सिंबल है, और यहां पे जो डी वाई डी एक्स है यही तो डिफरेंशियल का सिंबल है, राइट? सो डी वाई डी टी, दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे अंडर रूट का सिंबल होता है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम में आपने फैक्टोरियल का सिंबल देखा था, ऐसे ही डिफरेंशियल का सिंबल है बच्चों डी बाय डी एक्स। ठीक है, एक्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो नीचे, जिसका करना है वो इस सिंबल के साथ। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
अब डिफरेंशियल जब हम करते हैं तो ऊपर जो लिखा है न्यूमरेटर का करते हैं यानी वाई का, लेकिन वाई एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक्स आता हो, क्योंकि अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना चाहते हैं तो वाई शुड बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। समझ आई? आप एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशियल करना चाहते हैं तो वाई शुड बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन मींस क्या बताया था, एक रिलेशन, वाई एक्स का कोई रिलेशन होना चाहिए, और वो रिलेशन सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक है तो वाई इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, या वाई इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, या टेन एक्स हो जाएगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। मान लीजिए वो रिलेशन लॉग का है तो वाई इक्वल टू लॉग एक्स आ जाएगा। एफ मीन्स फंक्शन, फंक्शन मीन्स रिलेशन, यानी एफ एक्स के साथ किस रिलेशन से रिलेट हो रहा है, और वो रिलेशन का नाम ही फंक्शन होता है। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। क्लियर हुआ? बोलो यहां तक क्लियर हुआ? ये पिछले टर्न का ही रिपीट कर रहा हूं अभी मैं। इतना क्लियर हुआ तो जल्दी से यस लिखो तो मैं जल्दी से फिर आगे बढ़ूं। यस, इज दिस क्लियर टू ऑल? यस, ओके। शाश्वत, आपको क्लियर है? इसमें कोई शाश्वत है? आप में से कोई शाश्वत है तो बताइए क्लियर है या नहीं। ओके, देखिए बच्चों, फंक्शन तो कोई भी हो सकता है, तो फाइनली अब मैं ये लिख सकता हूं, डिफरेंशियल ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसका डिफरेंशियल करना है इस सिंबल के आगे लिखेंगे, तो हम यहां पर ओके गुड डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब वाई का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई क्या होना चाहिए, वाई शुड बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वाई एक्स का फंक्शन होना चाहिए। y के जब हम कोई इक्वेशन लिखेंगे तो उस x के टर्म में बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे y इक्वल टू बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। y देखो एलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन y में x आ रहा है, y की इक्वेशन में x आ रहा है। लेकिन सोचो, मैं अगर डिफरेंशियल कर रहा हूँ dy ओवर dt, मतलब डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, और लेकिन फंक्शन मेरे पास है x का, तो फिर सिंपल तरीके से ऐसे नहीं होगा। समझ आ रही है बात? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है, जो नीचे लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में करना होता है, जो ऊपर लिखा होता है उसका, तो जो ऊपर लिखा है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, एक्स का, मतलब उसकी इक्वेशन जो भी बने उस इक्वेशन में एक्स आना चाहिए। लेकिन टी के रिस्पेक्ट में करना है तो टी आना चाहिए, टी नहीं आ रहा तो फिर डिफरेंशियल हम इन फॉर्मूले से तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ये आप डिफरेंशियल का मतलब समझ गए, और डिफरेंशियल का क्या है सिंबल वो समझ गए। एक बात और समझ लें कि जब मैं डी वाई ओवर डी एक्स करता हूँ तो ये जो डिफरेंस इन एक्स नीचे होता है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत बहुत स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि आप इसको सिंपल तरीके से इस डिफरेंस को मेजर भी नहीं कर सकते, इतना स्मॉल होता है। जैसे अगर टाइम का ही मैं डिफरेंस लूँ, टाइम ही टाइम डिफरेंस लूँ, टाइम इंटरवल लूँ, तो आप जरा इमेजिन करो कितना छोटा टाइम इंटरवल आप इमेजिन कर सकते हो। आप कह सकते हो सर 1 सेकेंड ले लो, आप कह सकते हो सर 1 मिली सेकेंड ले लो, और छोटा ले लो तो 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा ले लो, फिर जो हिस्सा आया उसका भी 1000वां हिस्सा ले लो, फिर जो आया उसका भी 1 करोड़ पार्ट ले लो, तो इतना छोटा करते 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 लास्ट में तो 0 हो जाएगा। लेकिन इतना छोटा करना है कि बिल्कुल 0 ना हो, लेकिन 0 के जस्ट पहले रुक जाए,
लेकिन अगली स्टेप में जीरो हो जाएगा। इतना छोटा जब इंटरवल होता है तो उन्हीं की कैलकुलेशन करने के लिए ये डिफरेंशियल आता है। तो आप देखेंगे डीवाई ओवर डीएक्स में जो डीएक्स है, दिस इज वेरी 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 माइन्यूट। क्लियर? गुड। अब बहुत सारे फंक्शन है वाई की वैल्यू, तो वाई के फंक्शन साइन फंक्शन हो सकता है, कॉस फंक्शन, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉग फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है जिसमें एक्स स्क्वायर हो वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्स क्यूब हो, एक्स की कुछ पावर वो एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इन सभी फंक्शंस के डिफरेंशियल करने के न्यूटन ने कुछ फार्मूले बनाए, हमें वो फार्मूले एज इट इज़ लर्न करने हैं। ठीक है, कैसे आए, क्यों आए, उसको भूल जाओ, फिजिक्स में एज इट इज़ हमें लर्न करने हैं। ठीक है, ओके। चलिए तो पहला फार्मूला हम लेते हैं, पहला फार्मूला ही लास्ट टर्न पर आपको बताया था, डिफरेंशियल सपोज इफ वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन है, एक्स की कोई पावर है, इसका डिफरेंशियल करना चाहते हैं, एक्स की कोई पावर है, वो पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इफ वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, देन न्यूटन कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ वाई, वाई मीन्स वॉट, एक्स टू द पावर एन, सो डिफरेंशियल ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या होगा? तो न्यूटन कहते हैं इसका डिफरेंशियल, इस फंक्शन का डिफरेंशियल होगा जो भी पावर है, सबसे पहले जब डिफरेंशियल कर देंगे ना तो ये सिंबल डिफरेंशियल का वो हट जाएगा, जैसे रूट फोर होता है, फोर का अंडर रूट टू हो गया, हमने ये सिंबल हटा दिया। ऐसे ही जब हम dy dx यानी डिफरेंशियल x टू द पावर n कर रहे हैं तो ये जो dy dx है उसको हटा दो, हटा दिया। अब डिफरेंशियल कैसे, n आगे आ गया, n आ गया, x टू द पावर n में से एक कम करो, बस यही डिफरेंशियल का फार्मूला है। ये पहला फार्मूला है एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल करना। हर फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशियल होता है, अलग अलग फार्मूले होते हैं। न्यूटन ने सबसे पहला फार्मूला दिया डिफरेंशियल ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब x टू द पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशियल। ठीक है, t की पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशियल, मतलब एक वेरिएबल की कोई पावर हो उसका डिफरेंशियल जब करते हैं तो पावर को आगे लाते हैं और फिर पावर में से वन लेस करके लिख देते हैं, बस ये हो गया डिफरेंशियल। ठीक है, सो x टू द पावर n का क्या हुआ, n x टू द पावर n माइनस वन। क्लियर? एक एग्जांपल ले लें इसका, डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर, बोलो जरा क्या होगा डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? यस, सभी बच्चे बताएं, ये डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? ये जो पावर देख रहे हैं आप 2, इसको आगे ले लो, 2x हुआ, और 2 में से 1 लेस करो, उसको ऊपर पावर में रेस कर दो, तो 2 में से 1 लेस किया, 1 बचा, 1 लिखते नहीं है तो 2x ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका डिफरेंशियल बताओ x टू द पावर 3 का, सभी बच्चे इसका डिफरेंशियल लिखें x टू द पावर 3 का। यस, वेरी गुड, 2x आएगा, गुड। जरा x टू द पावर 3 का तो लिखो सभी लोग, शाश्वत लिखिए जरा x टू द पावर 3 का डिफरेंशियल क्या होगा, x टू द पावर 3 का डिफरेंशियल लिखो सभी बच्चे, x टू द पावर 3 का डिफरेंशियल सभी लिखें। यस बच्चों, x टू द पावर 3 का डिफरेंशियल लिखो, 3x स्क्वायर, 3 आगे आएगा, गुड, x की पावर 3 में से एक गया, 2 बचा, सिंपल, थ्री आगे आया, 3 माइनस 1 इज 2, तो 3x स्क्वायर, गुड। अच्छा इसका लिखो x टू द पावर 9, डिफरेंशियल ऑफ x टू द पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, बोलो, गुड,
शाश्वत अकेला 3x नहीं होगा बेटा, देखो 3 जो पावर है वो तो आगे आ गई, शाश्वत जरा समझिए, 3 आगे आ गई ठीक बात है, लेकिन 3x हो गया वो, तो फिर पावर को एक कम करके लिखना है ऊपर, 3 आगे लो x कितना लिखा जाएगा 2, ठीक है 3 में से एक कम करके ऊपर लिखना पड़ेगा, तो अकेला 3x नहीं होगा, 3x स्क्वायर, यहाँ क्या कर रहे थे 2 आगे आया तो सिंपल 2x नहीं लिखा, 2 में से एक को माइनस करके लिखा इसलिए 1 आया था, समझ रहे हैं? जरा इसका बताओ x टू द पावर 9 का क्या होगा, यस 9 आगे आएगा, गुड x टू द पावर, अब ये 9x अकेला थोड़ी होगा, इस 9 में से भी एक कम करके यहां लिखना है, तो 9x टू द पावर 8, ठीक है ना, अब समझ आया शाश्वत, जो पावर है उसको आगे लिखो और 1 लेस करके वेरिएबल के ऊपर चढ़ा दो, तो ये होता है डिफरेंशियल ऑफ व्हाट, डिफरेंशियल ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, जिसमें एक्स की पावर कुछ हो उसका डिफरेंशियल, किसी वेरिएबल की पावर कुछ हो उसका डिफरेंशियल। आप सभी बच्चे बताएंगे, ध्यान से सोच के बताएंगे, ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ी मत करना, सोच करके जवाब देना। डिफरेंशियल ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन, यस डिफरेंशियल ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यस सभी बच्चे इसका आंसर लिखें, क्या आंसर आता है देखता हूं, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा वो विनर होगा इस क्वेश्चन का। यस बच्चों, सोच के लिखिए, समझ के लिखिए, मनोज रायपुरिया कहते हैं माइनस वन एक्स टू दी पावर माइनस टू, क्या यह सही है? रुचिर पारासत कहते हैं माइनस वन एक्स टू दी पावर माइनस टू, वेरी गुड, तुमने एक्स की पावर माइनस टू चढ़ा भी दी, ये कैसे चमत्कार किया, ये यूट्यूब इस पर टाइप हो जाता है पावर में एक्स टू दी पावर माइनस टू, देखो इसने रुचिर ने नई खोज की है, माइनस वन एक्स टू दी पावर ऊपर रेज भी कर दी, ये कैसे रेज की होगी पता नहीं। शिवम सिंह माइनस वन एक्स टू दी पावर माइनस टू, माइनस वन गुड एक्स टू दी पावर माइनस टू, और माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर टू, ये भी सही है, यस गुड वेरी गुड। देखो वो कहाँ गया शाश्वत, उसका कमेंट नहीं आया, बोलो बेटा देखो इधर, अब ध्यान से देखना, एक्स टू दी पावर माइनस वन इसको आगे लाओ, ले आओ, ये आ गया आगे माइनस एक्स, चलो इधर ले लें, माइनस वन आगे लाओ, माइनस वन आ गया आगे, एक्स टू दी पावर क्या बताया, जो भी पावर हो उसमें से वन लेस कर लो, तो वन लेस किया, माइनस वन पावर में से माइनस वन लेस किया, जो भी पावर है उसमें से एक लेस कर लो, बस एक ही लेस करना है ज्यादा नहीं, तो माइनस एक्स टू दी पावर माइनस टू आंसर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस टू को आप चाहे नीचे ले लो, डिनोमिनेटर में तो वन अपॉन में आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स टू दी पावर माइनस वन का डिफरेंशियल हुआ माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत यूजफुल है ये वाला एग्जाम्पल, फिजिक्स में बहुत यूज होगा, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बोलो एक और देखो, इसका डिफरेंशियल करो, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशियल करो एक्स के रिस्पेक्ट में, वन अपॉन एक्स का
डिफरेंशियल करो एक्स के रिस्पेक्ट में, बोलो शाश्वत करो बेटा। इसका डिफरेंशियल क्या होगा वन अपॉन एक्स का? मानसी कहती हैं कि वन होगा, और कोई? क्या सभी वन कहते हैं? अरे 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 अरे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो, वन अपॉन एक्स नहीं, नहीं, सभी का गलत है, ऑल आर रॉन्ग, सभी का गलत है। अच्छा इसका बताओ, एक्स टू दी पावर माइनस वन का क्या होगा? शिवम सिंह परिहार, इसका ही आंसर केवल और केवल सही है। इसका सही है। अरे एक्स की पावर माइनस वन का अभी निकाला था तो कितना आया था? माइनस वन एक्स टू दी पावर माइनस टू, यानी इसको हमने लिखा था माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लिखा था कि नहीं? तो ये भी तो वही है, इधर देखो, ये दोनों अलग अलग थोड़ी ना है। ये एक्स को ऊपर ले जाओगे, सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसको सिंप्लीफाई किया, अभी डिफरेंशियल नहीं कर रहे, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो वन अपॉन एक्स का क्या होगा? एक्स टू दी पावर माइनस वन, एक्स को ऊपर ले गए केवल और कुछ नहीं किया, डिफरेंशियल अभी नहीं किया हमने, अभी सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करते समय डी बाई डी एक्स नहीं हटेगा। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक ही तो है, तो डिफरेंशियल भी तो एक ही आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, बस घुमा के पूछ लिया है मैंने और कुछ नहीं है। एक्स टू दी पावर माइनस वन का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है तो वन अपॉन एक्स का भी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स को ऊपर ले जाए तो एक्स की पावर माइनस वन लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्लास इलेवेंथ के लिए एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी हमें सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं हम ये सब, डिफरेंशियल नाइन टेंथ में कहीं था नहीं, इसके पहले डिफरेंशिएशन की कोई कहानी नहीं थी, लेकिन अब लगभग हर टर्न पर आपको पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं डिफरेंशियल का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये तो सब टू की टेबल की तरह याद हो जाने चाहिए और धीरे धीरे हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ये सारे याद हो जाएंगे, टू की टेबल की तरह याद हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी फॉर्मूला जब हम बार बार डेली ही उसका यूज़ करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना? तो लेकिन करते रहिए। तो वन अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या हुआ? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स टू दी पावर माइनस वन का क्या हुआ? वही माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? सर बट मैंने वन अपॉन एक्स पावर एक से क्यों नहीं करेंगे? हाँ, ये आप क्या बोल रही हैं, वन अपॉन एक्स पावर एक से क्यों नहीं करेंगे? वन अपॉन एक्स मतलब क्या हुआ? अच्छा ये कह रही हो क्या, इसकी पावर वन मान लो ऐसे, चलो सुनते हैं इसकी बात, ये क्या कह रही है। ये कह रही है शायद इसको वन मान लो, वन फिर वन अपॉन एक्स पावर में वन माइनस वन, जीरो हो गया, वन आ गया, ये बोल रही है क्या? नो बेटा, फार ये गलत है, ये गलत है, लेकिन हमने फार्मूला क्या पढ़ा था उसको देखो, हमने पढ़ा था x टू दी पावर n का फार्मूला, n x टू दी पावर n माइनस वन, इस x जो वेरिएबल है उसकी पावर
वन अपॉन एक्स की पावर थोड़ी ना पढ़ा था, वन अपॉन एक्स की पावर का फार्मूला पढ़ा था क्या? नहीं, एक्स की सीधी पावर पढ़ा था, वन अपॉन एक्स का नहीं पढ़ा। इन दोनों में डिफरेंस है। बात क्लियर हुई? यस, बात क्लियर हुई। शुरुआत में आप सभी ने इसी तरीके से किया था, मुझे पता था आप सब ने इसी तरीके से किया था। मैं समझ गया था कि आपने इसको कुछ मान लिया है, ब्रैकेट उसकी पावर वन है तो वन आगे आ गई, फिर वन माइनस वन जीरो हो गया, तो इसलिए इसका आंसर वन आ गया। ये गलत है। हमारा फार्मूला एक्स टू दी पावर एन का है, ना कि वन अपॉन एक्स का। समझ आई? ऐसे तो अगर वन अपॉन एक्स स्क्वायर कर दूं तब भी वन आएगा, वन अपॉन एक्स क्यूब कर दूं तब भी वन आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ध्यान रखिए, हमें सबसे पहले ये जो हमें दिया हुआ है वन अपॉन एक्स या वन अपॉन एक्स स्क्वायर या कुछ भी, उसको जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के फॉर्मेट तक ले जाना पड़ेगा। उसको सिंप्लीफाई करके, उसको सिंप्लीफाई करके हम अपने फॉर्मूले के फॉर्मेट तक ले जाएंगे। जब फॉर्मूले के फॉर्मेट में फिट हो जाए तब डिफरेंशियल करेंगे। ये बात क्लियर हुई? यस, क्लियर हो गई। हाँ चलो, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, एक बार फिर देख लो। सबसे पहले वन अपॉन एक्स जो दिया है इसको करेंगे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करेंगे, और हम सिंप्लीफाई करने का मतलब है हमारे पास एक्स की पावर एन का फार्मूला है, तो उसको हम इसको सिंप्लीफाई करके एक्स की पावर कुछ लाएं, तो एक्स ऊपर गया तो एक्स की पावर माइनस वन आ गया। अभी डिफरेंशियल नहीं हुआ, अभी क्या किया हमने, केवल सिंप्लीफाई किया। बात समझ आई? अब ये हमारे फॉर्मूले की फॉर्मेट की तरह बन गया। फॉर्मूला कहता है एक्स की पावर एन होना चाहिए, तो ये एक्स है पावर में, माइनस वन है, पावर कुछ भी रहे नो टेंशन। तो फॉर्मूला ये कहता है कि जो पावर है उसको आगे ले आओ, आगे ले आए। एक्स जो वेरिएबल था लिखा रहने दो, लिख लिया, और इस पावर में से वन लेस करो, तो पावर माइनस वन थी उसमें से वन लेस कर दिया, तो माइनस एक्स टू दी पावर माइनस टू हो गया। अब ये एक्स की पावर माइनस टू है, फिर से हम जैसे जैसा था वैसा ले जाएं, या तो यही आंसर हो गया हमारा। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो जो पावर में लिखा है ना उसको वन अपॉन में ले लो, तो एक्स स्क्वायर हो गया। पावर को नीचे ले जाओगे प्लस, ऊपर ले जाओगे माइनस, यही होता है। अब क्लियर हो गया सबको? यस शाश्वत मानसी, क्लियर? यस लिखो जरा, क्लियर है तो, क्लियर है तो लिख दो क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। यस नेक्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, बोलो इसका डिफरेंशियल, बोलो डिफरेंशियल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, करिए सभी डिफरेंशियल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, बताइए क्या होगा डिफरेंशियल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, बताओ डिफरेंशियल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, बताइए। सभी बच्चे कमेंट्स करें। ओके रुचित ने बताया माइनस टू एक्स टू दी पावर माइनस थ्री, और ये बिल्कुल सही है, दिशा का भी सही है, मानसी रुचित सभी का सही है। देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, डीवाई डी एक्स, एक्स की पावर माइनस टू कर लो, नीचे प्लस टू है ऊपर ले जाओ एक्स की पावर माइनस टू, जिससे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के फॉर्मेट में फिट हो जाए। हो गया फिट, माइनस टू को लो आगे, इस माइनस टू में से पावर में से वन लेस कर लो, तो माइनस टू एक्स टू दी पावर माइनस थ्री हो गया। अब चाहे तो इतना ही छोड़ें, या आप चाहें माइनस टू बाय एक्स को नीचे ले गए तो पावर माइनस थ्री
थी वो प्लस थ्री हो जाएगी, बस यही आंसर होगा। तो डिफरेंशियल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है माइनस टू बाई एक्स क्यूब, क्लियर। और ये डी वाई डी एक्स का सिंबल हट गया जब एक बार डिफरेंशियल कर दिया। अभी आप बच्चों देख रहे होंगे कि हम एक बार ही डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। एक फंक्शन का एक बार डिफरेंशियल करना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, ठीक है, क्लियर हुआ? यस, पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया सभी को? अगर पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े, क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलें। ऐसे 10-11 फॉर्मूले पढ़ने हैं। ये पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला और उसका एग्जांपल क्लियर हो गया? पहला फॉर्मूला और उसका एग्जांपल क्लियर है? सभी लोग जरा लिख दीजिए कि एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप के फॉर्मूले पर बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्मूला, डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखा है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल करना है मुझे, डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट। यस, कांस्टेंट क्या होते हैं? पिछले टर्न पर आपको समझाए गए थे कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं या वो न्यूमेरिकल वैल्यूज या वो वैल्यूज होती हैं जिन जिनकी वैल्यू या ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसा समझो, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में चेंज नहीं होती, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में चेंज नहीं होती, इसको बोलते हैं क्या? कांस्टेंट। और मैंने एक एग्जांपल भी दिए थे, एक एग्जांपल दिया था, एक क्या बहुत सारे एग्जांपल दिए थे कांस्टेंट के, कि जैसे आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी कुछ भी कर लो। पाई की वैल्यू 3.14 है तो हमेशा 3.14 ही रहेगी, हमारे घर पे भी 3.14 रहेगी, किसी दूसरे के घर पे मेजर करो तब भी 3.14 रहेगी पाई की वैल्यू। तो इसका मतलब लोकेशन चेंज करने से पाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। आप चाहें आज मेजर करें 3.14 है, एक सेकंड बाद मेजर करें पाई की वैल्यू 3.14 है, ठीक है, आज से 1000 वर्ष बाद मेजर करें यही आएगी। इसका मतलब पाई की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज नहीं हो रही, समझ आई बात? तो कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू किसी भी अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कभी भी चेंज नहीं होती। अदर क्वांटिटीज चेंज होती रहेंगी लेकिन वो कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, नाम ही कांस्टेंट है। तो कुछ एक कांस्टेंट के एग्जांपल बता दो जरा, 9th-10th में कहीं पढ़े हों, कोई ऐसा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में साइंस में कहीं पढ़ी हो जिसकी वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, कोई कुछ एग्जांपल अगर आपको पता हो तो जरा बता दीजिए, देखें कोई एग्जांपल, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, बोलो, सोचो 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 सोचो, 9th-10th कहीं पढ़ी हो, मैथमेटिक्स में कर लो। रुचित ने कहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
उसका नाम ही कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। फॉर्मूला नाइन्थ में पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। फोर्स चेंज हो सकता है, मास अलग अलग हो सकता है, डिस्टेंस अलग हो सकती है, लेकिन ये जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा फिक्स है 6.67 × 10⁻¹¹। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होती, जी की वैल्यू नाइन्थ में पढ़ा होगा। कैपिटल जी है ये, स्मॉल जी नहीं है। स्मॉल जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो तो चेंज होता रहता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा कभी भी। हाँ ये भी सही है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो हमेशा 1/√2 ही रहेगी, है ना। अच्छा इतने सारे तो वैल्यूज हैं 1, 2, 3, ये जो नंबर्स हैं ये नंबर हमेशा फिक्स होते हैं। 1 कांस्टेंट ही है, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इनकी अपनी वैल्यू चेंज नहीं होती। हाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई तो फिर दूसरा नंबर आ जाएगा, लेकिन 5 5 ही रहेगा, बदल थोड़ी ना जाएगा, 4 4 ही रहेगा कैलकुलेशन में। तो ये जितने डिजिट्स होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं, ये अपने आप में क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सारे नंबर्स, इंडिविजुअल नंबर्स जो हैं सभी के सभी कॉन्स्टेंट ही हैं। कैपिटल जी कॉन्स्टेंट है, सी सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, बात क्लियर हुई। तो कॉन्स्टेंट में क्या क्या आता है, यहां कुछ एग्जाम्पल लिख दूं। कॉन्स्टेंट में, कॉन्स्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ABCD जो होती है ना, अल्फाबेट्स होते हैं, उसके पहले 3 लेटर A, B, C इनसे डिनोट कर लेते हैं। एंड सी जैसे स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, जितने भी नंबर्स हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सभी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट में आते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी कितना होगा, जरा सोच के बताओ। यस बच्चों, डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट कितना होगा, जरा सोचें। आप न्यूटन होते तो बताओ क्या सोचते, कांस्टेंट का डिफरेंशियल न्यूटन के माइंड से सोचो। हाँ मनोज ने बताया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहेगा, कभी भी मेजर कर लो, किसी के रिस्पेक्ट में मेजर कर लो, कांस्टेंट ही रहेगा, वेरी गुड। मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ ड्यूटेरियम है, ये सब कांस्टेंट रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होते। तो डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, कांस्टेंट का डिफरेंशियल किसी अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जरा बताओ जल्दी। यस क्या हो सकता है, न्यूटन के दिमाग से सोचो, न्यूटन की तरह सोचो। यस देखें कौन सबसे पहला न्यूटन आता है, डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है इसका, लेकिन क्या है इसकी वैल्यू, क्या आएगी डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, क्या आएगा। यस बच्चों शिवम कह रहे हैं कांस्टेंट का डिफरेंशियल कांस्टेंट ही होगा, और सोचो सोचो कोई दिक्कत नहीं, सही सोचो गलत सोचो लेकिन लिखो जरूर, फिर मैं करेक्ट करूंगा आपको, और हो सकता है आप ही करेक्ट हो। यस मास ऑफ मॉस्किटो, नहीं मॉस्किटो का मास तो बदलता रहता है भाई, सारश्वत क्या नाम तुम्हारा, शाश्वत, मॉस्किटोज का जो मास होगा ना वो तो सारे मॉस्किटोज का सेम थोड़ी होता है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, बड़े बड़े मच्छर होते हैं, कोई छोटे छोटे मच्छर होते हैं, तो उनका जो मास है वो तो बदलता रहेगा। डेंगू मच्छर होता है बहुत बड़ा, उसका मास तो ज़्यादा होगा,
जैसे बहुत सारे पर्संस होते हैं, सभी पर्संस का मास कांस्टेंट थोड़ी ना है, सबका अलग अलग है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास सेम है, सारे प्रोटॉन्स का मास सेम है ना, लेकिन सब एटम्स का मास अलग अलग है क्योंकि एटम तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं उन सबको मिला के बनते हैं, तो वो सब एटम में अलग अलग होते हैं, सब एलिमेंट में अलग अलग होंगे। बात समझ आई? तो जरा बता दीजिए आप मुझे कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल किसी के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, थोड़ा जरा सोच के देखो यार, शाश्वत करें कांस्टेंट ही रहेगा। चलो हिंट देता हूं आपको, हिंट देता हूं, हिंट, डिफरेंशियल करते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंशियल का बेसिक मीनिंग क्या है, वो पहले एक दिन मैंने यही समझाया था कि डिफरेंशियल करते क्यों है, डिफरेंशियल का बेसिक मीनिंग क्या होता है, वहीं से इसका आंसर निकलेगा। डिफरेंशियल का मतलब है डिफरेंस। अगर कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसका डिफरेंशियल होगा, और जो होगा वो उसका फार्मूला होता है। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कभी चेंज ही नहीं हो रही तो चेंज को ही डिफरेंशियल बोलते हैं, चेंज, चेंज को ही डिफरेंशियल बोलते हैं, चेंज मीन्स डिफरेंस को डिफरेंशियल बोलते हैं। तो कभी कांस्टेंट में कोई डिफरेंस आता है किसी के अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में? बोलो, क्या कांस्टेंट में जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं उनकी वैल्यूज में कभी किसी अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कोई डिफरेंस आता है, कोई चेंज आता है? अगर आता होगा तो फॉर्मूला बनेगा, और नहीं आता होगा तो? बोलो, अब बता दीजिए। चलिए, इतनी हिंट दे दी मैंने, अब तो एक पहले क्लास का बच्चा भी बता देगा इसका आंसर। रुचित कहते हैं वेरी 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 स्मॉल, और वेरी स्मॉल क्यों आएगा? नो नो, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, सही बात है। तो डिफरेंशियल क्या होगा? डिफरेंशियल, अरे तो इसका आंसर होगा जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा जीरो, जीरो मतलब नो चेंज, नो का मतलब ही तो जीरो होता है। अब मानसी ने लिखा जीरो, यही तो मैं पूछ रहा था कि जब पाई की वैल्यू 3.14 होती है और पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ सब जगह 3.14 होती है, मतलब डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रही। चेंज होना मतलब डिफरेंशियल करना, चेंज हो ही नहीं रही है, चेंज नहीं होना मतलब जीरो। तो डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। बात समझ में आ गई? डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। तो ढूंढना कहीं अगर अकेला कांस्टेंट बैठा हो तो उसका डिफरेंशियल जीरो होता है। समझ आई बात? अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं कहता हूं कि डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, तो वो कांस्टेंट किसी इक्वेशन में अकेला होना चाहिए। अकेला का मतलब है उस, ऐसा नहीं हो कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो, एडिशन चल सकता है, सब्ट्रैक्शन चल सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट का किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेरिएबल ही बन जाएगा, उसका डिफरेंशियल होगा। ठीक है, अभी बताता हूं। तो अभी तो ये बात समझ में आ गई, डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। कुछ एग्जांपल ले लें, बोलो डिफरेंशियल ऑफ पाई कितना? जीरो। डिफरेंशियल ऑफ सी कितना? जीरो। डिफरेंशियल ऑफ टू कितना? जीरो। डिफरेंशियल ऑफ वन कितना? जीरो। डिफरेंशियल ऑफ टेन कितना? जीरो। ठीक है, ये सब ब्रैकेट में मैंने कांस्टेंट वैल्यू लिखी है, कहीं कोई वेरिएबल नहीं लिखा। बट अब आ जाओ इधर, बट अगर कहीं मैं लिखता हूं डिफरेंशियल ऑफ 2x स्क्वायर, सोचिए मैंने लिखा डिफरेंशियल ऑफ 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करो,
तो आप ऐसा सोचोगे कि टू कांस्टेंट हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया, इसका कर देते हैं, इसका जीरो कर देते हैं। नहीं, जब टू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ये टू था तो कांस्टेंट, लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है वो वेरिएबल बन गया, पूरा का पूरा ब्रैकेट वेरिएबल बन गया। जब वेरिएबल बन गया तो इस टू का डिफरेंशियल हम करेंगे नहीं, एज इट इज छोड़ देंगे। डी वाई डी एक्स ऑफ सपोज टू एक्स स्क्वायर है तो हम टू का डिफरेंशियल कुछ करेंगे नहीं, एज इट इज छोड़ेंगे। इन टू हम डिफरेंशियल किसका करेंगे, इस एक्स स्क्वायर का, टू का नहीं करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल नहीं करना मतलब उसको एज इट इज लिखना। अगर आपने टू का डिफरेंशियल कर दिया तो टू का डिफरेंशियल तो जीरो होगा, तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। अगर कोई कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है, एक्स के साथ आ रहा है, किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन हो के आ रहा है या डिवीजन हो के आ रहा है, तो उसको एज इट इज छोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे। जो पहला फार्मूला है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स। तो हमारा आंसर क्या हुआ, टू टू फोर एक्स। सिंपल राइट, ये समझ आया, ये समझ आया। इसकी कुछ प्रैक्टिस कराऊं, बोलो इसकी प्रैक्टिस कराऊं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। डिफरेंशियल ऑफ 9x⁻⁹, कौन बताएगा इसका आंसर, बोलो। डिफरेंशियल ऑफ 9x⁻⁹, हु विल गिव द आंसर। डिफरेंशियल ऑफ 9x⁻⁹, बताइए आंसर क्या होगा। नाइन एज इट इज छोड़ेंगे, डिफरेंशियल किसका करेंगे, एक्स टू दी पावर नाइन का। तो ये पावर आगे आएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नाइन नाइन जा 81। एक्स टू दी पावर कितना, नाइन में से एक कम करो, एट हो गया आंसर, 81 एक्स टू दी पावर 8। क्लियर, 81 एक्स टू दी पावर 8, गुड, वेरी गुड। अच्छा इसका करो, ये एक लंबी सी इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल करना है। अब ये एक लंबी सी इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल करना है। अब ऐसे में क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी होती है ना उसमें देखो कितनी टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। टर्म जो होती हैं वो बीच में प्लस माइनस आ जाए तो उनसे काउंटिंग होती है, लेकिन इन टू में ये एक ही टर्म होती है, ये एक ही है, ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है। राइट, समझ आई बात। अब जब इस पूरे ब्रैकेट में जो इक्वेशन लिखी है इसमें थ्री टर्म है, इस थ्री टर्म इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करते हैं, इक्वल लगाया, dy dx हटा दिया क्योंकि हम डिफरेंशियल कर रहे हैं। पहले इसका करते हैं, इस टर्म का 2x स्क्वायर देखा हमने तो 2 एज इट इज छोड़ेंगे, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, हमें पता है 2 आगे आएगा, 2 में से एक कम हो जाएगा, प्लस एज इट इज रहेगा, ये 2 आ गया, 2 को एज इट इज छोड़ेंगे, कांस्टेंट है, ये x वेरिएबल है, x का डिफरेंशियल 1 होता है, याद है ना, x का डिफरेंशियल 1 होता है, प्लस। अब ध्यान देना इधर, ये 1, ये जो वन है, वन कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं है, तो वन अकेला है, कांस्टेंट जब अकेला मिल जाए पकड़ के जीरो कर दो उसको, ये कांस्टेंट अकेला पकड़ में आ गया, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशियल
जीरो हो जाएगा। सिंपल आंसर हुआ 2 × 4x + 2। अब कई कह सकते हैं x का 1 कैसे हुआ, तो x का 1 ऐसे हुआ, देखो डिफरेंशियल ऑफ x निकालना है आपको, मान लो फॉर्मूले की तरह याद कर लेना इसको, x का डिफरेंशियल, यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब पहला फार्मूला लगाओ x की पावर n का, 1 आ गया आया, 1 में से 1 माइनस किया 0 हो गया, x टू दी पावर 0 1 होता है, हो गया आंसर। बोलो 2x² + 2x + 1 का क्या हुआ, 4x + 2, इस 1 का होगा 0। ठीक है बताओ, समझ में आ गया? तो फिर मैं आगे आपको अगले कुछ एग्जाम्पल दूं कुछ अगले और एग्जाम्पल। आ जाओ अगले एग्जाम्पल, इफ y इक्वल टू 2x² - 9x + 4, डिफरेंशियल करो इसका, फाइंड dy/dx, फाइंड डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सभी बच्चे इसका आंसर लिखेंगे इसको सॉल्व करके, और मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। करो, सभी बच्चे इसका आंसर लिखेंगे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। श्रेया का आया 4x - 9, रुचित का आया 4x - 9, शिवम का आया 4x - 9, मनोज का 4x - 9। देखो हम निकाल रहे हैं dy/dx, ठीक है, इक्वल पहले 2x² का करेंगे तो 2 आगे आएगा, 2 × 4 हो जाएगा, x², 2 में से 1 कम कर लिया तो 1 बचा, 4x रह गया, -9x, तो x का होगा 9 का नहीं होगा, x का डिफरेंशियल 1 होता है, ये 4 अकेला मिल गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का तो 0 होता है, बस आंसर हो गया 4x - 9। यस, इज इट क्लियर टू ऑल, इज दिस क्लियर टू ऑल? Is this clear to all? Okay. Next. ये सेकंड फार्मूला हुआ बच्चों। अब एक फार्मूला और, थर्ड फार्मूला, डिफरेंशियल ऑफ e^2x, ध्यान से सुनना है, e का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे कि साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लॉग होता है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, अकेली एक्स की पावर कुछ रेज हो तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, ऐसे ही स्मॉल ई की पावर कुछ हो तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और एक्सपोनेंशियल का मतलब मैंने बताया ना, बहुत तेज़ी से डिक्रीज होता है,
पहले, फिर धीमे धीमे डिक्रीज होता है, ग्राफ पेपर में बताया था। तो ई की पावर कुछ है, स्मॉल ई की पावर कुछ है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। और वो फॉर्मूला क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जिससे कि याद बना रहेगा। ये एक ऐसा फंक्शन है, जैसे e की पावर x है, तो हम x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल करेंगे इसका, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में जब हम एक बार डिफरेंशियल करते हैं तो जो ये फंक्शन है उतना ही चेंज होता है। जैसे e की पावर x है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, तो जब एक बार डिफरेंशियल किया x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर x चेंज हो गया। समझ आई बात? द्वारा एक बार और डिफरेंशियल कर दिया तो फिर इतना चेंज हो गया, इतना ही फिर चेंज हो गया। तीसरी बार डिफरेंशियल कर दिया तो फिर इतना ही चेंज हो गया। तो मतलब e की पावर x एक ऐसा फंक्शन होता है जो x के साथ डिफरेंशियल करने पर जो फंक्शन जैसा है उतना ही उसमें चेंज आता है, यानी कि, और डिफरेंशियल का मतलब ही चेंज होता है। तो e की पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये पूरा फंक्शन एज इट इज कॉपी करके लिख देंगे, बस हो गया डिफरेंशियल। डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, जीरो नहीं, जीरो का मतलब है नो चेंज, और e टू द पावर x का मतलब है जितना ये फंक्शन है उतना ही चेंज। ठीक है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x होता है। इसका मतलब है ये एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा रिलेशन है, जब हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो इसमें चेंज उतना ही आता है जितना खुद ये फंक्शन है। क्लियर? ओके, क्लियर हो गया। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन लिखो, इफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ई टू ई की पावर एक्स प्लस थ्री, ठीक है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, बोलो निकालो, आपके लिए क्वेश्चन है, निकालिए। कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में आप लिखते जाइए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बोलो बच्चों, वेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, करो, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं, समय दे रहा हूं आपको पूरा करने का। पहले आप लगाओ, न्यूटन वाला दिमाग लगाओ, जिसने खोज की उसी का दिमाग लगाओ, उसी तरह से सोचो। रुचित का आया x प्लस टू ई की पावर x, x प्लस टू ई की पावर x, क्या सभी का यही आया, क्या सभी का यही आया? श्रेया सिंह का लगाया x बाई टू प्लस टू ई की पावर x, और किसी का? शाश्वत, क्या हुआ, सन्नाटा क्यों छा गया? x e की पावर 2x, ये सही है, शाश्वत का सही है, यस गुड, वेरी गुड। देखो देखो, इधर से स्टार्ट करेंगे, ये 1 बाई टू है तो इसको तो एज इट इज छोड़ो,
क्योंकि ये तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, जीरो तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ है, तो एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x हो गया। जब कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल के साथ होता है तो कॉन्स्टेंट को एज इट इज छोड़ो, उसको छेड़ो मत, छोड़ दो ऐसे ही, समझ रहे हैं, छोड़ दो, छेड़ो मत, क्योंकि वो किसके साथ है, वेरिएबल के साथ है। अकेला हो तो उठा के पटक दो, जीरो कर दो। इधर आ जाओ, 2e की पावर x, ये 2 कांस्टेंट इस e की पावर x वेरिएबल के साथ है, तो इसको तो बेचारे को छोड़ दो एज इट इज। इससे बात करो अपन तो, e की पावर x का डिफरेंशियल, e की पावर x, ये मिल गया अकेला, करो तुरंत जीरो, खत्म। अब 2 से 2 उड़ा दो, x प्लस 2e टू द पावर x, सो सिंपल, करेक्ट। चलो अब आगे आ जाओ, एक और ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला था हमारा थर्ड फॉर्मूला। अब बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 4। डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशियल देखते हैं। डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स में जब एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो ये कॉस हो जाता है, तो डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स में, साइन फंक्शन में एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो ये कॉस हो जाता है, तो डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। लेकिन 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 पांचवा फार्मूला, डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स करते हैं तो ये साइन एक्स हो जाता है, लेकिन इसके आगे माइनस आता है, नेगेटिव में साइन एक्स होता है। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये फिलहाल आपका काम नहीं है, आपको ये टेबल की तरह याद रखने हैं। डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, कई बार भूल जाते हैं बच्चे कि किस में माइनस था किस में नहीं था। जिसकी स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो, समझ लो उसमें आगे माइनस आएगा। ऐसा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसके आगे, जिसकी स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रही है, उसका डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस आएगा, बस इतना याद रख लो, ठीक है। ये फिजिक्स नहीं है ना, मैथमेटिक्स, ये ट्रिक है केवल याद करने के लिए, निमोनिक्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, ठीक है। सिक्स्थ फॉर्मूला, डिफरेंशियल ऑफ टेन एक्स, ये बड़ा अजीब होता है टेन एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स, कुछ आता पता नहीं है इसका। डिफरेंशियल ऑफ टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, हाँ कोसेक का भी माइनस होगा, बिल्कुल सही है। अभी पूरे के पूरे छह फंक्शन के करवा दूं आपको, फिर याद करवाता हूं। सेवंथ, डिफरेंशियल ऑफ कॉट एक्स, अब देखो सी आ गई कॉट, तो माइनस आएगा। कॉट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, इस जिसका डिफरेंशियल कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग के हिसाब से आएगा, ठीक है। एट्थ, डिफरेंशियल ऑफ sec x, ये होता है sec x into tan x, फॉर्मूले हैं याद कर दे,
ज्यादा नहीं है, 10-11 है। नाइन्थ डिफरेंशियल ऑफ कोसेक एक्स, सी आ गया, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। टेंथ लास्ट फार्मूला, डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स, ई बेस है, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x। तो ये 10 फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, जरा नोट करो 10 के 10। नोट कर लिया, हाँ इन सब के बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम, डोंट वरी। नोट कर लिया सभी ने? ओके, मिटा दूं? चलो सबसे पहले मैं आपको सारे फार्मूले एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर हम, अभी ये डिफरेंशियल ख़त्म नहीं हुआ, ये चलेगा करीब 5-6 दिन चलता है, ये 2 दिन ये हो गए, 2-3 दिन और चलेगा, 3 दिन और चलेगा, 5 दिन तो मान के चलो। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे। तो सबसे पहले ये पहला हमारा, पहली हमारी क्लास थी जो कल हमने ली थी या परसों ली थी हमने, उस क्लास में मैंने आपको ये समझाया कि डिफरेंशियल होता क्या है। जिन बच्चों ने आज से ही ज्वाइन किया है, पिछली क्लास नहीं देखी है, इस क्लास को देखने के पहले पहली क्लास जरूर आप अटेंड कर लेना, तभी ये क्लास समझ आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में मैंने ये समझाया डिफरेंशियल होता क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों करते हैं हम डिफरेंशियल, और एक फार्मूला सिंपल सा, उसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे, ठीक है। आज की क्लास में मैंने सारे फार्मूले जो मुझे फिजिक्स में यूज़ करने हैं डिफरेंशियल के, वो सारे मैंने आपको लर्न करवा दिए, ठीक है। तो एक बार और हम ये सारे फार्मूले ईमानदारी से आप याद कर लें। अब चूंकि ऑफलाइन क्लास होती यहाँ, तो मैं हर बच्चे से पूछता कि 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से याद कर लो और बताओ इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि क्लास में याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास में ईमानदारी से मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ या 2 मिनट देता हूँ, चलिए 2 मिनट देता हूँ, आप पूरे 10 के 10 फार्मूले लर्न कर लो, उसके बाद कॉपी बंद कर दो, ईमानदारी से कॉपी बंद कर दो। मैं यहाँ पर डिफरेंशियल पूछूंगा, इसका डिफरेंशियल क्या है, आप जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिखते जाएं, जो सबसे पहले लिखेगा वही उस फार्मूले का विनर होगा, ठीक है। चलो ये गेम खेलते हैं अपन, राइट। तो 2 मिनट दे रहा हूँ मैं जल्दी से,
आप फटाफट याद कर लो, ठीक है, सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। कॉपी बंद करो ईमानदारी से, देख देख के नहीं लिखना, कॉपी बंद करो, जल्दी से टाइप करना फिर, ठीक है, ओके, आ जाओ। कुछ सेकंड तो हो ही गए, एक मिनट दे देता हूं। बोलो, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स। देखें सबसे पहले कमेंट किसका आता है, कॉस एक्स। रुचित पाराशर का सबसे पहले कमेंट आया, उसके बाद मानसी, फिर श्रेया, गुड, वेरी गुड। डिफरेंशियल ऑफ टेन एक्स, गुड दिशा। डिफरेंशियल ऑफ टेन एक्स, डिफरेंशियल ऑफ टेन एक्स, गुड। श्रेया सिंह का सबसे पहले आंसर आया, गुड, वेरी गुड। सेक स्क्वायर एक्स, गुड। डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स, यस, डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स। वन बाई एक्स, सबसे पहले रुचित का आंसर आया, वन बाई एक्स। डिफरेंशियल ऑफ एक्स, गुड, सेक स्क्वायर एक्स, शाश्वत, गुड।
डिफरेंशियल ऑफ एक्स डिफरेंशियल ऑफ एक्स रुचित का सबसे पहले आया वन, सही है। डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स डिफरेंशियल गुड वेरी गुड डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स गुड माइनस साइन एक्स। शिवम सिंह परिहार चेक करो आप गलत लिख रहे हैं, माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स गुड। डिफरेंशियल ऑफ कॉटेक्स 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 नो 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 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता कॉटेक्स का, मानसी का बिल्कुल सही है, मानसी का बिल्कुल सही है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉटेक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। डिफरेंशियल ऑफ ई रेस टू एक्स बताओ, डिफरेंशियल ऑफ ई रेस टू एक्स डिफरेंशियल ऑफ ई रेस टू एक्स यस गुड ई टू द पावर एक्स ही होगा, ये चेंज नहीं होता। डिफरेंशियल ऑफ एनी कॉन्स्टेंट डिफरेंशियल ऑफ एनी कॉन्स्टेंट डिफरेंशियल ऑफ एनी कॉन्स्टेंट डिफरेंशियल ऑफ एनी कॉन्स्टेंट जीरो बिल्कुल सही है, सबसे पहले आंसर आया शिवम सिंह परिहार का गुड। चलो अगला देखें, डिफरेंशियल ऑफ फोर डिफरेंशियल ऑफ फोर डिफरेंशियल ऑफ फोर डिफरेंशियल ऑफ फोर जीरो 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 वेरी गुड जीरो वेरी गुड जीरो डिफरेंशियल ऑफ ई टू द पावर टेन डिफरेंशियल ऑफ ई टू द पावर टेन और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ मोबाइल पे आ रही है कि जैसे आपका टेंथ का सीबीएसई का एग्ज़ाम कैंसिल करके सभी को पास कर दिया गया है, ट्वेल्थ सीबीएसई के भी बच्चे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है वो भी पास हो गए हैं, और
एमपी बोर्ड स्टेट के 12th के बच्चे भी आज एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है और किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वर्ष तो बच्चों ने मज़े किए हैं, सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, 10th का भी, 12th का भी, 12th बोर्ड का भी, 10th बोर्ड का भी, 11th के भी, और साथ साथ एमपी बोर्ड के भी, सीबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। लेकिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी कोई भी एकेडमिक एग्ज़ाम तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता। जैसे अभी नीट और जेई के जो एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं कि चलो ठीक है 1 अगस्त को है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, लेकिन बिना एंट्रेंस दिए डॉक्टर या इंजीनियरिंग कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप लोग जो नीट और जेई की तैयारी करेंगे या कर रहे हैं, इच्छुक हैं, ठीक है, उन्हें बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोग ऐसे इस भ्रम में मत आ जाना कि इस बार कोरोना में सब पास हो गए, 10th में भी, 12th में भी, 11th में भी, तो अगले वर्ष भी कोरोना की कृपा बनी रहेगी तो हम लोग निकल जाएंगे। नो, कोरोना पर कंट्रोल 1-2 महीने में ही आ जाएगा, सब वैक्सीन लग गई ख़त्म, फिर गएगा कोरोना, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ाई करते रहो। यस, तो हम बात कर रहे थे e to the power 10 का सबसे पहले आंसर और सही आंसर किसने दिया है। श्रेया सिंह ने दिया e to the power 10, शिवम ने दी ये गलत है, शिवम ने दिया e to the power 10 गलत है, मानसी ने e to the power 10 गलत है, रुचित ने e to the power 10 गलत है, सौम्या ने e to the power 10 गलत है। अब सही आंसर बताओ क्या है, सही आंसर किसी ने नहीं दिया अभी, बताओ क्या आंसर है। e to the power 10 का e to the power 10 नहीं होगा, बताओ। अब तो इसी इंतजार में है कि कोरोना गया तो ब्लैक फंगस आ जाएगी, फिर व्हाइट फंगस आ जाएगी, फिर ये वो, तो हमारे तो मजे चलते रहेंगे। ऐसा मत सोच भाई, 10e to the power 0 ये भी गलत है, 10e to the power 0 ये भी गलत है। e to the power 10 का क्या होगा, e to the power 9 ये भी गलत है, बोलो जरा और कोई सही आंसर आप में से कौन देगा। इधर देखो, e की कोई वैल्यू बताई थी मैंने, e एक्सपोनेंशियल होता है, और जब मैं सीरीज सिखा रहा था, लॉग सिखा रहा था, तो उसमें e की वैल्यू मैंने बताई थी 2.72, यही होती है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू। e to the power 10 मतलब सोचो, e to the power 10 का मतलब 2.72 की पावर 10 करेंगे तो जो भी आएगा वो कांस्टेंट टर्म आएगी, क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, इसलिए e to the power 10 का भी होगा 0। अब आप कहोगे इसको e to the power x के फॉर्मूले से क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 10x थोड़ी ना है, e to the power x का फॉर्मूला है, और x होता है वेरिएबल, x क्या होता है वेरिएबल, तो वेरिएबल का फार्मूला है x की पावर x होना, e to the power x कोई वेरिएबल होना चाहिए, ये तो 10 तो कांस्टेंट है, e to the power constant का थोड़ी ना फार्मूला है, e to the power constant इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। बात समझ आई, ये बात समझ आई क्या, बोलो जल्दी से बताओ। बोलो, इतनी बात समझ आई क्या, अरे इतनी सी बात समझ आई, e to the power 10 तो कांस्टेंट है, x होता तो e to the power x से करते, x वेरिएबल होता है, x की जगह t होता, t भी वेरिएबल होता है, x की पावर में कोई वेरिएबल होना चाहिए तब एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला लगाते हैं,
लेकिन x की पावर में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी। वेरिएबल पूरे कहीं है ही नहीं है इसमें, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कहीं भी वेरिएबल नहीं है। जब पूरे ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल नहीं है तो उसका डिफरेंशियल जीरो होगा। समझ रहे हैं? एक एग्जांपल लेता हूं, डिफरेंशियल ऑफ साइन 45। क्या हो रहा है? डिफरेंशियल ऑफ साइन 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो कितना? डिफरेंशियल ऑफ साइन 45 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल ऑफ साइन 45 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो झटपट बता दीजिए। बिल्कुल सही है, जीरो, क्योंकि इसमें कहीं भी वेरिएबल है ही नहीं है। साइन 45 रूट टू होता है, 1/√2 होता है साइन 45। अब 1/√2 का डिफरेंशियल जब करोगे तो वो तो जीरो आएगा, क्योंकि इसमें कहीं कोई है ही नहीं है वेरिएबल। ठीक है, समझ गए? अरे भाई शिवम सिंह परिहार, कॉस 45 तो तब होगा जब ये 45 वेरिएबल होता। वेरिएबल थोड़ी ना है ये, तो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल जीरो होता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन यही तो है, समझ आ गई बात? बोलो 1090 का डिफरेंशियल बोलो। झटपट बताओ। जीरो, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ वाई इक्वल टू 2 sin x प्लस e^x प्लस साइन 45 माइनस 2, बोलो dy/dx निकालो। आंसर बताओ क्या आएगा इसका, सभी बच्चे बताएं।
शिवम श्रेया, श्रेया का आया 2cos x प्लस e की पावर x। चेक करते हैं, देखो 2 एज इट इज साइन x का cos x, e की पावर x, e की पावर x, ये जीरो, ये वाला भी जीरो, हटा दो, तो 2cos x प्लस ई टू दी पावर एक्स, यही है सभी का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सभी का यही है, गुड, वेरी गुड। चलो एक और, इसका डिफरेंशियल करो, मैं बताता हूँ, ये लंबा चौड़ा दिया है, सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 9/10 वाला मैथमेटिक्स यूज करके, ठीक है। सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि एक्स से इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर दोनों से डिवाइड कर लेंगे, तो एक्स ई की पावर एक्स, देखिएगा x e की पावर x डिवाइड बाय क्या है x प्लस, दोनों के नीचे अलग अलग कर लो 1/x, ऐसा लिख सकते हैं। अभी हमने डिफरेंशियल नहीं किया, अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मेट में आ जाए, अभी हमारे फॉर्मेट में नहीं था, अब आ गया हमारे फॉर्मेट में, y इक्वल टू बच गया e की पावर x प्लस 1/x, 1/x को e की पावर -1 लिख सकते हैं। अब डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं इनके डिफरेंशियल करना, समझ आई बात। ये नीचे x था डिनोमिनेटर में, तो इसमें भी डिवाइड किया और इसमें भी डिवाइड किया, क्योंकि ये पूरे के नीचे x है, तो इसके नीचे भी x है, इसके नीचे भी x है। बोलो अब डिफरेंशियल कर लो, e की पावर x का e की पावर x और x की पावर -1 का -1 आगे आएगा, एक कम कर दो -2 हो गया आंसर, खत्म, ऐसे करना है। तो पहले कोई इक्वेशन दी हो तो उसको आप अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई पहले कर लीजिए, फिर उनको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। तो चलिए टाइम खत्म होने जा रहा है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उनको आप करिए, करने के बाद ठीक है उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनकी PDF बनाइए और मुझे डायरेक्ट भेज दीजिए, ठीक है। कैसे भेजेंगे, ऐप पे जो पर्सनल चैट रूम होता है उस पर भेज दीजिए, राइट, वहाँ भेज सकते हैं, या कॉमन चैट रूम है वहाँ भी आप आपस में डिस्कस करने के लिए भेज सकते हैं, कि आपस में कोई बच्चा आपके सॉल्यूशंस देखना चाहता है तो वो देख सकता है, या आप किसी बच्चे के सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो कॉमन चैट रूम में भी आप अपने अपने PDF भेज सकते हैं, या पर्सनली मुझे भी भेज सकते हैं, अगर उसमें नहीं भेजना चाहते तो डायरेक्ट मुझे भेज दो, ठीक है। तो मैं आपको फिर मैं चेक करूंगा उनको, होमवर्क है, इक्वेशन दे रहा हूं आपको, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, लिख लीजिए।
ये 5 क्वेश्चन है, इनको करना है आपको, ठीक है, नोट कर लें। ओके, तो इनको आप सॉल्व करें, ठीक है, और आप आज सॉल्व कर लें, कल सॉल्व कर लें, जब भी सॉल्व करें तो उसकी सॉल्यूशन की या तो एक पेज पे ही सारे कर लें, या दो पेज बने तो उनकी पीडीएफ बना के मुझे आप सेंड करें, ठीक है। ऐप पर ही सेंड कर सकते हैं या कॉमन चैट रूम में सेंड कर सकते हैं, इतना कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगले टाइप का डिफरेंशियल लेके। टोटल 4 टाइप का डिफरेंशियल हमें पढ़ना है। एक टाइप या एक तरह का जो हमें पढ़ना है वो ये हो गया सीधे सीधे फार्मूले बेस्ड, ठीक है। फिर एक टाइप का कल और पढ़ेंगे, अगले टर्म पर और पढ़ेंगे, फिर कुछ और देखेंगे, और धीमे धीमे हम लगभग 5 दिन में 5 डेज का ये कोर्स होता है डिफरेंशिएशन का, और जिससे कि हम इस डिफरेंशिएशन में फिजिक्स के लिए जितना ज़रूरी है उसमें हम एकदम एक्सपर्ट हो जाएँ। फिजिक्स में जहाँ भी डिफरेंशियल आए, चेंज पूछे, रेट पूछे, तुरंत निकालते, ठीक है। और एक दो दिन और करके उसके बाद फिजिक्स के ज़्यादातर क्वेश्चंस जो नीट में, जेई में पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एकेडमिक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सबको एक साथ लेकर के हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहिए और घर पर ही रहिए। थैंक यू, थैंक यू।